कोरोना नियम तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई, गृह मंत्रालय ने की है राज्यों को एडवाइजरी जारी। राज्यों की तरफ से वैक्सीन की कमी पर नए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, दहशत पैदा करने के लिए फिजूल बयान दिए जा रहे। एमपी बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट घोषित, 356,000 छात्र फर्स्ट डिवीजन से हुए पास। एमपी में स्कूल खोलने को लेकर बड़ा ऐलान, सीएम शिवराज ने कहा 26 जुलाई से खोले जाएंगे स्कूल। भोपाल में सांसद साध्वी प्रज्ञा की नई दिल्ली, बेघर परिवार को दिलाया आश्रय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में, मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा संकेत दिया। बोर्ड एग्जाम से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एमपी बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी किया है। एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट घोषित, 356,000 छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। बोर्ड एग्जाम से जुड़ी ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे। मध्य प्रदेश बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया। एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर इस वक्त रिजल्ट घोषित कर दिया जा चुका है। 356,000 छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। बोर्ड एग्जाम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एमपी हेड धर्मेंद्र वर्मा सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, बड़ी खबर आ रही है, 356,000 से ज्यादा छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, और क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना काल के बाद जो ये इस साल जो रिजल्ट आया है 10वीं का, ये ऐसा इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो गया है, क्योंकि ऐसा रिजल्ट आज से पहले न कभी आया है, और लोग ऐसी उम्मीदें जताएंगे कि भविष्य में भी कभी ऐसा ना हो, क्योंकि कोरोना के कारण इस तरह का रिजल्ट आया है जिसमें सभी विद्यार्थी, जितने भी 100% विद्यार्थी हैं, वो पास हुए हैं। दूसरी बात यह कि इसमें हर साल देखा जाता है कि जो बालिकाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो बाजी मार जाती हैं और लड़के पीछे रह जाते हैं, लेकिन इसलिए मैंने आपसे ये शब्द बोला कि इतिहास के पन्नों में अमर हो गया, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसी ने बाजी नहीं मारी, दोनों समान रूप से काउंट किए जा रहे हैं, बराबरी से गिने जा रहे हैं, और कुल बच्चे जो है 100% बिल्कुल 100% बच्चे जो है वो पास हो गए हैं। तो ये एक ऐसा पहली बार रिजल्ट आया मध्य प्रदेश में जिसमें करीब 3.5 लाख से ज्यादा बच्चे फर्स्ट डिवीजन आए हैं, और करीब लगभग 4 लाख के आसपास बच्चे सेकंड डिवीजन से पास हुए हैं। आज शाम जो ये रिजल्ट था वो जारी कर दिया गया है, और इससे पहले भी शिवराज सिंह चौहान ने और एमपी बोर्ड ने जो ये घोषणा की थी कि इस बार जो बच्चों को प्रमोशन दिया जाएगा जनरल प्रमोशन के आधार पर दिया जाएगा, लेकिन एग्जाम के जो इनके जो आंकड़े हैं उसके आधार पर रिजल्ट होगा, और जो एग्जाम हुआ है उसके आधार पर इनकी गणना करके लगभग सभी बच्चों को पास करने के आदेश दिए गए थे। जी, रिजल्ट तो आपने ऐतिहासिक करार ही दिया, लेकिन ऐसे में मेरिट लिस्ट में क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आई, क्या इस बार मेरिट लिस्ट जारी की गई है? देखिए, इस बार मेरिट की लिस्ट जारी नहीं की गई है, और उसकी बड़ी वजह यही है क्योंकि जब एग्जाम होते हैं, जो तरीका है, जो सिस्टम है हमारा, जिस तरह से एग्जाम होते हैं, तब ये इसका आकलन होता है कि बच्चे मेरिट में आए हैं या फर्स्ट डिवीजन आए हैं, सेकंड डिवीजन आए हैं, लेकिन इस बार जो एग्जाम हुए हैं उसमें लगभग सभी बच्चों को पास कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, अगर हम मेरिट को काउंट करते हैं तो फेल होने वाले बच्चों को भी काउंट करते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो 100% आया है, तो ऐसी सूरत में मेरिट में किसी बच्चे का नाम मेरिट सूची में दर्ज नहीं है, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड के आधार पर बच्चों को पास किया गया है। जी, शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वहीं मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा संकेत दिया है। आरएसएस के अनुषांगिक संगठन विद्या भारती के कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि 11वीं और 12वीं की कक्षा 26 जुलाई से 50% की क्षमता से खोली जाएंगी। 15 अगस्त तक सब ठीक ठाक रहा तो छोटी क्लास के स्कूल भी खोले जाने पर विचार किया जाएगा। वहीं इन्होंने कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति जल्द देने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सावधानी जरूरी है, इसलिए सप्ताह में 2 दिन एक बैच और फिर 2 दिन दूसरा बैच आएगा। इसकी पूरी रणनीति हम बना रहे हैं। जनता ने अगर कोरोना गाइडलाइन का पालन किया तो 9वीं और 10वीं, फिर 6वीं से 8वीं और फिर 1ली से 5वीं तक के स्कूल खोले जाएंगे। तो
स्कूल खोलने को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। उन्होंने कहा है कि जल्द ही हम ये स्कूल जो है वो खोलेंगे और 26 जुलाई से इस स्कूल को खोलने की योजना बनाई है सरकार ने। और इस वक्त एक बार फिर हमारे साथ हमारे संवाददाता और यूपी एमपी हेड धर्मेंद्र वर्मा सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, क्या कोई जानकारी है, 26 जुलाई से स्कूल खोलने के संकेत दिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से अभी कोरोना की दूसरी लहर आई थी उसके बाद ये आशंका जताई गई है और जैसा कि तैयारियां भी चल रही सरकार के द्वारा कि तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन उससे पहले मध्य प्रदेश में जो कोरोना के आंकड़े लगातार गिरावट दर्ज होते होते बहुत न्यूनतम स्तर पर आ चुका है, जिस पर शासन ने आसानी से अंकुश लगभग लगा लिया है। कुछ एक जीरो से लेकर 10 या 15 मरीज जो है वो कोरोना से निकलते हैं, जिनको सरकार जो प्रशासन का दावा है कि हम उस पर नियंत्रण पा चुके हैं। इसीलिए ऐसी सूरत में शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि 25 जुलाई से स्कूल खोल दिए जाएंगे, जिसमें 10वीं और 12वीं की क्लास की जो कक्षाएं हैं, 10वीं 11वीं 12वीं की कक्षाएं वो आसानी से लग सकेंगी। जी ठीक है धर्मेंद्र जी, क्या कुछ प्रोटोकॉल के पालन की भी बात कही गई है? जी बिल्कुल, जैसा कि हमेशा से प्रशासन ने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कुछ गज की 2 गज की दूरी बनाकर रखें और सैनिटाइजर करते रहें। तो ये जो नियमावली जो सरकार ने दी है, स्कूलों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि कक्षा में ज्यादा भीड़ ना हो, कक्षा में कम बच्चे बैठे, दूरी बनाकर बैठे और तीसरी लहर ना आए, इसका भी खासकर ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वहीं भोपाल में गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत की, जहां उन्होंने ओबीसी आरक्षण मामले पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की सारी योजना और प्रस्तावों में से एक भी पूरी नहीं हुई है, आरक्षण का प्रस्ताव इतना कमजोर था कि वो लागू नहीं हो सकता था। वहीं ओबीसी आरक्षण में पूरा दोष कांग्रेस का ही है। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। आप इससे अंदाजा करिए कि ये नौजवान है जिन्हें 3 दिन बाद याद आई है कि एक बुजुर्ग की साथ अन्याय हुआ है। इससे आप युवक कांग्रेस की हालत समझ सकते होगी। और कमलनाथ जी भी 3 दिन भोपाल के टीकमगढ़ के रहने वाले एक परिवार की मदद कर सांसद साध्वी प्रज्ञा की नेकदिली देखने को मिली है। बता दें कि पीड़ित परिवार को मकान मालिक ने किराया ना दे पाने की वजह से घर से निकाल दिया था। परिवार का मुखिया ठेकेदारी का काम करता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से काम मिलना बंद हो गया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से मदद मांगी। वहीं परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए सांसद ने तुरंत उनकी आर्थिक मदद की। इसके अलावा अवधपुरी थाना TI को उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी दिए। जी सर, किराया वगैरह नहीं दे पाया टाइम से, इसीलिए उन्हें घर से निकाल दिया। सुबह से बिजली काट दी 6 बजे से, और बोले कि 9 बजे मतलब चले जाना यहाँ से। जी, ताला वगैरह लगा दिया। कितने वर्षों से आप उस मकान में रह रहे हैं? 2 साल से रह रहे हैं सर। कितना है किराया बाकी है, किस प्रकार से बोल रहे हैं? कंटिन्यू हमने 1 साल से, तो पिछले 2020 में किराया दिया उनका रेगुलर, लेकिन 2021 में किराया नहीं दे पाया हमने, तो 50-60 हजार रुपये किराया हो गया। हम लोगों ने बोला कि हम दे देंगे आपका पैसा। वहीं भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ दर्ज की गई FIR को झूठा बताते हुए निरस्त करने की मांग की गई। साथ ही कांग्रेस ने हत्या की साजिश का आरोप लगाया। बता दें कि हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा भोपाल के इंडस्ट्रियल एरिया में BL पार्क की जमीन पर RSS से जुड़ी संस्था को असंवैधानिक तरीके से देने का विरोध किया गया, जिस पर कार्रवाई करने के उलट पूर्व CM पर ही FIR कर दी गई। इसी के विरोध में प्रदेश भर में राज्यपाल के नाम संभाग आयुक्त कार्यालय पर ज्ञापन दिए गए और आरोप लगाया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर जानलेवा हमले की साजिश रची गई। सरकार से अपनी मांगों को लेकर सभी सरकारी कर्मचारी संगठन एकजुट हो गए हैं। वहीं सरकारी कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे ने भोपाल सतपुड़ा भवन के सामने सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कर्मचारियों ने सरकार से वेतन में बढ़ोतरी, पदोन्नति, महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांगों को लेकर विरोध जताया। वहीं कर्मचारी नेता वीरेंद्र रघुवंशी ने बताया कि सरकार ने पिछले 3 सालों से महंगाई भत्ता, वेतन वृद्धि और पदोन्नति नहीं की है, जिसको लेकर हम 3 चरणों में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। पहले चरण में हम अपनी समस्याओं को मुख्यमंत्री से अवगत कराएंगे। वहीं दूसरे चरण में 29 तारीख को 1 दिन का सामूहिक अवकाश लेंगे। इसके बावजूद अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हमारा सामूहिक मोर्चा अगले आंदोलन की तैयारी करेगा।
हमारी शासन ने जो हमारी वेतन वृद्धि पर रोक लगा रखी है, हमारे महंगाई भत्ते पे रोक लगा रखी है और पदोन्नतियों पर, इन तीन मुख्य मांगों को लेकर हम लोग शासन का ध्यान आकर्षण करने के लिए तीन चरणों में अपना आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसके तहत 20 तारीख को हम अपने प्रदर्शन करके माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी मांगों से अवगत कराएंगे। उसके बाद हम लोग 29 तारीख को एक दिन का सामूहिक अवकाश लेंगे। उसके बाद भी अगर हमारी बात नहीं बनती तो अगले कदम हम लोग सब लोग जो हमारे वही इंदौर में 71 करोड़ की एमडी ड्रग्स मामले में मुंबई से गिरफ्तार तस्कर अनवर लाला ने इंदौर से खरीदे गए एमडी ड्रग्स को गोवा में भी भारी मात्रा में खपाना कबूल कर लिया है। इस पर इंदौर क्राइम ब्रांच ने गोवा पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद पता चला कि आरोपी के खिलाफ 27 दिसंबर 2020 को गोवा क्राइम ब्रांच ने एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया था, जिसमें वो फरार था। फिलहाल गोवा पुलिस ने तस्कर अनवर लाला को ट्रांजिट रिमांड पर ले लिया है। इंदौर क्राइम ब्रांच के मुताबिक आरोपी अनवर लाला के मुंबई के पेडलर के अलावा गोवा के पेडलर्स की जानकारी भी क्राइम ब्रांच की टीम ने जुटाई थी। इसी के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके फोटो और डिटेल गोवा पुलिस से भी शेयर की गई थी। ये महिला के संबंध में भी जो है काफ़ी जानकारियां वगैरह प्राप्त की गई हैं और अभी की जा रही हैं, पुलिस रिमांड पे है। और इन जानकारियों से जो अन्य पेडलरों के नाम आ रहे हैं या अन्य जो लिंकेज, ग्रामीणों के विवाद को शांत कराने पहुंचे एएसआई पर एक युवक ने हमला बोल दिया, साथ ही एएसआई के कान को दांत से काट लिया। उक्त हमले में गंभीर रूप से घायल एएसआई को इलाज के लिए जिला अस्पताल सिंगरौली ले जाया गया, जहां से उन्हें संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक सिंगरौली जिले के सरई थाना अंतर्गत तिनगुड़ी चौकी क्षेत्र में कुछ ग्रामीण आदिवासी आपस में झगड़ रहे थे, जहां जानकारी मिलने पर एएसआई इंद्राज मिश्रा अन्य पुलिसकर्मियों के साथ झगड़ा शांत कराने पहुंचे। इस दौरान झगड़ा कर रहा देवधर्म सिंह सड़क पर लेट गया, जिसे एएसआई इंद्राज मिश्रा द्वारा सड़क से उठाने का प्रयास किया गया। इसी बीच आरोपित एएसआई से लिपट गया और उनके दाएं कान को दांतों से काट लिया। घटना में एएसआई के कान से खून बहने लगा, उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य सरई ले जाया गया, जहां उसे संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। इंदौर के भवरकुआ थाने में कुछ दिन पूर्व एक पीड़िता ने अपने पति, सास और पूर्व डीएसपी ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और मारपीट का मामला दर्ज कराया था, पर अब तक मामले में पुलिस की लापरवाही ही देखने को मिली है, जिसको लेकर पीड़ित ने आईजी को ज्ञापन देकर न्याय की मांग की है और सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। पीड़िता ने बताया कि उनकी शादी 2010 में हुई थी। शादी के बाद से ही आरोपी पति विनय, ससुर और सास उसे प्रताड़ित करते हैं और पति ने दूसरी शादी भी कर ली है, पर इंदौर पुलिस दबाव के चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उल्टा पीड़िता को ही पुलिस बार बार थाने बुलाकर परेशान कर रही है। आपको बता दें, आरोपी विनय रंगशाही के पिता अशोक रंगशाही पूर्व में इंदौर में टीआई रह चुके हैं। अपने पद का दबाव बनाकर लगातार बाप बेटा पीड़ित को फोन कर जान से मारने की धमकी झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं, यहाँ तक कि धर्मांतरण करने के लिए भी दबाव बनाते हैं। जी, मैं इसके पहले भी आईजी साहब से मिलने आई हूँ 6 तारीख को। जो मेरे पति है जिला आबकारी अधिकारी अलीराजपुर विनय रंगशाही और उनका परिवार, मदर मेरी सास और ससुर, इन तीनों को कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और उस दिन मैं आई थी, उसके जस्ट बाद टीआई साहब का बयान आया था कि वो उसके पिता को गिरफ्तार कर लिए थे और बस उसके दूसरे ही दिन उसने बेल लगा दी और बेल वहाँ पर जा कर के न्यायपालिका में वहाँ से खारिज हो गई है। मतलब दो बार इन लोगों ने लगाई, दोनों बार खारिज हुई है, फिर भी पुलिस इनका इतना सपोर्ट कर रही है। मामला देखिए सर, ये है कि मैं विनय रंगशाही की पत्नी हूँ और ये लोग मुझे दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया इन लोगों ने मुझे। और हम 2009 से हम लोग साथ हैं, उसमें भी विनय रंगशाही ने शादी करने के लिए बहुत टालमटोल किया मेरे साथ और 2010 में मेरा अबॉर्शन भी कराया उसने। और मेरे को हमेशा मेंटली टॉर्चर, मारना, पीटना और और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शहनवाज खान सीधे फोन लाइन पर जुड़े हैं। शहनवाज, क्या कुछ मामला है ये? सर, ये इंदौर के भोरका थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व एक पीड़िता ने अपने पति, सास और ससुर के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया था। उनके पति जो है आबकारी में अधिकारी है और ससुर भी डीएसपी रह चुके हैं। इनका आरोप है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कहीं ना कहीं उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट देने में लगी हुई इंदौर पुलिस। पीड़िता का और क्या कुछ आरोप है, क्या कुछ मांग की गई है पीड़िता के द्वारा? पीड़िता के द्वारा यही मांग की गई है कि पीड़िता का कहना है कि जो कार्रवाई एक आम जन के साथ पुलिस करती है कोई अपराध करने के बाद, कहीं ना कहीं ये अधिकारी है तो इनके दबाव के कारण, इनके प्रभाव के कारण पुलिस उस तरह से इनको ट्रीट नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं इन्हें पुलिस की तरफ से रियायत दी जा रही है लगातार।
शहनवाज, इसमें धर्मांतरण की भी बात सामने आ रही है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं ये धर्मांतरण के लिए भी उस पर लगातार दबाव बनाते हैं कि आपको धर्म चेंज करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र के गीता भवन स्थित फेडरल बैंक के गार्ड राजभान सिंह ने मामूली विवाद के बाद गोली चला दी। गोली लगने से 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से 1 युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं वारदात के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पीड़ित दीपक पाटिल अपने भाई अशोक पाटिल के साथ गीता भवन चौराहे के पास एक चाय की दुकान पर चाय पी रहा था, तभी वहां फेडरल बैंक का गार्ड आ गया, जिसका नाम राजभान बताया जा रहा है। चाय पीने के दौरान गार्ड से दोनों युवकों का विवाद हो गया, वहीं गार्ड ने हाथापाई प्रारंभ कर दी। फिर गार्ड बैंक के अंदर से बंदूक निकाल लाया और उन पर फायर कर दिया। अभी तो इतनी जानकारी मिली है कि बाहर झगड़ा हो रहा था, बाहर यहाँ कोई झगड़ा हो रहा था गार्ड से, ठीक है, तो गार्ड के हाथ से शायद गोली चली है, पूरा पुख्ता नहीं है। सतना जिला के ताला में मनमानी बिजली के विरोध में जिला पंचायत सदस्य श्रीमती राजेश्वरी रूप नारायण पटेल के नेतृत्व में किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में किसानों ने अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से गांव में अपना गुजर बसर करने वाले मजदूर किसानों का बिल, जो कि 10,000, 20,000 और 40,000 के आसपास है, अवैधानिक तरीके से आ गया है, इसके समाधान की मांग की है। साथ ही गरीब मजदूर किसानों के घर के ऊपर से गुजर रहे 11,000 हॉर्स पावर की तारों को हटाने की मांग की गई। बड़े लंबे समय से हमारा ये क्षेत्र है, जिला पंचायत का आमिन दोघाट आनंदगढ़ इधर पड़री इत्यादि के गांव, ये सुदूरवर्ती क्षेत्र है, यहाँ के किसान बहुत बड़ी मात्रा में बिजली विभाग के कारनामों से पीड़ित और लगातार वो अमर पाटन जाते आते रहे और अपनी समस्याओं को बताते रहे। आपको मैंने दिखाया 30,000, 40,000 तक जिन किसानों के आए, उनका कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई निराकरण नहीं है। बहुत मजबूरी में आकर हम लोग आज विभाग के सामने आए कि आप इसका निराकरण करिए, इसका समाधान करिए। किसान किसी भी कीमत में पैसा देने की स्थिति में नहीं, कोरोना के इस काल में वो पैसा आखिर लाएगा कहाँ से, पाएगा कहाँ से, उसकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं खेतों में। मैं अभी जिक्र कर रहा था कि गन्ने के मूलतः सब किसान, उनको मुआवजा तो मिला नहीं 1 रुपये, गन्ने की फसल खेत पर सड़ गई। आप उसका अध्ययन करा लें, फील्ड का सर्वे कर लें, 1 रुपये नहीं मिला और ऊपर से 35,000, 40,000 के बिल आ गए। इस ज्यादती के खिलाफ आज हम इस विभाग के सामने आए हैं कि आप सब लोग इस पर कुछ कार्रवाई करें। आप ऑनलाइन पैसा जमा होता है, आप ऑनलाइन पैसा जमा करिए, ऑनलाइन के अलावा किसी भी कर्मचारी अधिकारी को किसी को पैसा आप मत दीजिए। मैं कई बार कह चुका हूँ, कोई भी पैसा किसी को देने की आवश्यकता नहीं है सर, आप बिल्कुल आप पैसा मत दीजिए किसी को, ना अधिकारी को दीजिए ना कर्मचारी को दीजिए। ताला क्षेत्र की बिजली की समस्याओं को लेकर के कुछ कृषकों द्वारा यहाँ मुझे ज्ञापन सौंपा गया है, उस ज्ञापन को जो भी इनके बिंदु हैं उन सभी पर विचार किया जाएगा और नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो यथाशीघ्र। भोपाल में जवाहर चौक स्मार्ट सिटी के पास नगर निगम प्रशासन फिर अपनी मनमानी करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान हाथ ठेला संचालकों को 10,000 का लोन देकर उन्हें रोजगार देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम उन पर मनमानी कार्यवाही कर रहा है। जवाहर चौक स्मार्ट सिटी के पास नगर निगम सब्जी फल विक्रेताओं को बड़ी बेरहमी के साथ हटाते हुए जवाहर चौक स्मार्ट सिटी के पास दिखाई दी है। दुकानदारों ने नगर निगम से गुहार लगाई पर कोई भी सुनवाई नहीं की गई। वहीं नगर निगम कर्मचारियों ने दुकानदारों की फल सब्जियों को सड़क पर फैला दिया, जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। रायसेन में बेगमगंज के सभी समाज के लोगों ने अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि बेगमगंज का नाम सियावास किया जाए। ज्ञापन में सभी समाजों के प्रस्ताव को इकट्ठा किया गया, साथ ही धार्मिक संगठनों के प्रस्ताव भी शामिल किए गए। मांग को लेकर सभी लोग COVID-19 के नियमों का पालन करते हुए तहसीलदार कार्यालय पहुंचे। ज्ञापन देने में नगर के सभी समाजों के अध्यक्ष, प्रतिनिधि और विभिन्न संगठनों के प्रमुख और अन्य नगरवासी मौजूद रहे। बेगमगंज की सभी समाजों ने, सभी संगठनों ने एकजुट होकर जो काफ़ी लंबे समय से बेगमगंज हिंदू उत्सव समिति एवं जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं सबकी ये मांग रही है कि ये चुभने वाला बेगमगंज नाम इसको बदल कर जो पौराणिक नाम इसका सियावास है उसको किया जाए। हमारे रायसेन जिले में ही देहगांव का नाम बदल दिया गया है और देहगांव का नाम देवनगर कर दिया है। हम मध्य प्रदेश शासन से, नगर प्रशासन से और केंद्रीय नेतृत्व से
ये आग्रह करते हैं कि हमारे नगर का नाम सियावास। सिलवानी से महज 5 किलोमीटर दूर ग्राम साई खेड़ा में सहकारी समिति महाकाल वेयर हाउस पर मूंग तुलाई को लेकर किसान परेशान हो रहे हैं। किसानों को अच्छी मूंग को भी डिसकलर बताकर रिजेक्ट किया जा रहा है, जिसके बाद गुस्साए किसानों ने तुलाई बंद होने से जमकर नारेबाजी की, वहीं जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं किसानों ने चेतावनी दी कि अगर तुलाई बंद की गई तो चक्का जाम किया जाएगा। वहीं इस मामले की जानकारी मिलने पर कृषि विकास अधिकारी शर्मा मौके पर पहुंचे और तुलाई करवाने का आश्वासन दिया। मंदसौर जिले के छोटा हिंगोरिया गांव के सैकड़ों ग्रामीण जल संकट की समस्या को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और डीएम से न्याय की गुहार लगाई। बता दें कि जिले की मलारगढ़ जनपद के छोटा हिंगोरिया ग्राम पंचायत की कालबेलिया बस्ती के ग्रामीणों ने आवेदन देकर पेयजल की समस्या बताई। कालबेलिया बस्ती के इन ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा उनकी बस्ती में पानी की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई। बस्ती के लोग पानी को लेकर कई सालों से परेशान हैं। पानी के सरकारी कुओं में गांव के अन्य लोग निजी मोटर लगाकर पानी भर रहे हैं और बस्ती के लोगों को पानी भरने से मना किया जाता है। कई बार पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों को जल समस्या से अवगत कराया गया पर कोई भी सुनवाई नहीं की गई, जिसके बाद अब डीएम से न्याय की गुहार लगाई गई है। सिंगरौली से सीधी को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे 39 एक बार फिर बदहाली की स्थिति में पहुंच गई है। इसके बावजूद भी वाहन चालक और दोनों जिलों के लोग अपनी जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर हैं। बता दें कि पिछले 10 वर्षों से नेशनल हाईवे 39 का निर्माण चालू था, लेकिन बीच में जिस संविदाकार को ठेका मिला था वो बीच में ही काम छोड़कर चली गई थी, जिससे रोड की स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई और दोनों जिलों के प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने पहल करते हुए एक साल पहले मंत्री राजेंद्र शुक्ला को 16 करोड़ रुपए की लागत से रोड की मरम्मत का कार्य शुरू करवाया था। और रोड की मरम्मत का कार्य पिछले 4 महीने पहले पूरा भी हो गया था, लेकिन 16 करोड़ की लागत से मरम्मत हुई सड़क 16 महीने भी नहीं चल पाई और आलम यह हो गया कि पहली बारिश में ही रोड अब चलने लायक नहीं बची है। इसमें हमने जो रोड के संबंध में जो भी उसमें क्षति पहुंची है इस बारिश के कारण, उसके लिए हमने जो संबंधित विभाग है उसको निर्देशित किया गया है कि वो अपने जो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे जो इसका मेंटेनेंस की तैयारी आप करें और जो रोड है उसको आवागमन के लिए जो भी आवश्यकता है उस आवश्यकता की पूर्ति करते हुए इसमें जो कार्य। अलीराजपुर जिले के पुलिस थाना अंबुआ के पास ग्राम सेमलिया फाटे पर ट्रक और कार के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अंबुआ ने घटनास्थल पर पहुंचकर वहां वाहन में फंसे एक शख्स को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मौके से फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश की जा रही है। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।